सो एक्चुअली लोकेशन ऑफ सप्लाई पॉइंट से अच्छा है आपको टॉपिक जानना, ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर ट्रैक्शन सब स्टेशन। ये जेबी गुप्ता की किताब का पेज है और मैंने कुछ क्वेश्चन भी यहाँ बनाए हैं, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि वाई ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज डबल ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा है व्हाट इज ट्रैक्शन सब सिस्टम या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन। आप अगर इसको देखेंगे तो इसका नाम ये भी रहता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन, इसको शॉर्ट में TSS भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन क्या है, हाउ आर दीज क्लासिफाइड। थर्ड है व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन, और लोकेशन क्यों होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए वहाँ। एंड व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फीडर्स इन ट्रैक्शन सिस्टम। तो आप जो हैं वो बेसिकली जनरेशन स्विच गियर प्रोटेक्शन और जो पूरा पावर सिस्टम है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो ये जो रेलवे हमारा है या जो पूरा ट्रैक्शन सिस्टम है, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सारा कुछ हो रहा है। सिर्फ जनरेशन आप नहीं करते हो बट ट्रांसमिशन है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ट्रेन में हो रहा है बेसिकली। सो यहाँ जो है ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर ट्रैक्शन सब स्टेशन, ऑल द ट्रैक्शन सब स्टेशन आर लाइंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक एंड आर फेड बाई मीन्स ऑफ डबल ट्रांसमिशन लाइन रनिंग अलॉन्ग द ट्रैक टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। तो ये आपको जानना है कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है कि इट इज टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई। सो ये है टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई एंड दे आर लाइंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक, क्योंकि रेलवे ट्रैक के पास इसलिए रखेंगे क्योंकि लीस्ट वोल्टेज ड्रॉप हो। अगर हम बहुत दूर रखेंगे कोई भी सब स्टेशन, सब स्टेशन का मतलब है बेसिकली ट्रांसफार्मर, बाकी चीजें सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स और एनी अदर इक्विपमेंट जो है दैट इज अ सब्सिडरी, बट अल्टीमेटली सब स्टेशन का मतलब है कि हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं, टैप चेंजिंग कर रहे हैं। सो ऑल द ट्रैक्शन सब स्टेशन आर लाइंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक, क्यों लाइंग अलॉन्ग रेलवे ट्रैक बता दिया, एंड आर फेड बाई मीन्स ऑफ डबल ट्रांसमिशन सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वाई दे आर बींग फेड बाई डबल ट्रांसमिशन सिस्टम। तो मान लीजिए कि जो है मेरा ट्रांसमिशन लाइन एक ये है T1, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन है ये T2। सो यहाँ ये इनकमर कहलाएगा, इनकमर वन कहलाएगा, मान लीजिए इनकमर टू कहलाएगा, ट्रांसमिशन लाइन टू से इनकमर ये वन कहलाएगा। अब अगर किसी समय अगर ये फेल कर गया, सपोज इट फेल्स, ये जो है ब्रेक कर गया, इन दैट केस में टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई आपको ये हमेशा सप्लाई देता रहेगा, दिस विल बी ऑलवेज कमिंग, सो देर ऑलवेज बी अ सप्लाई, सो देर इज ऑलवेज अ सप्लाई सप्लाई एंड दिस इज योर सब स्टेशन। सब स्टेशन के बाद यहाँ जो ट्रैक सिस्टम होगा, ट्रेन होगा, इसको जैसे भी मिलेगी ये सप्लाई, बट बेसिक बात ये है आपका कि ये कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए है, ओनली इट इज फॉर टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सप्लाई। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये सप्लाई आपका एस्टेब्लिश है और सप्लाई जो है वो ये वाला लॉस हो गया, अगेन उस केस में भी क्या होगा आपको कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रहेगी क्योंकि ये सप्लाई यहां से आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी। उसी तरह से ये सप्लाई आगे जो है जा रही है, दो दो लाइंस इसीलिए हैं कि अगर ये फेल कर गया या कोई एक फेल कर गया तो दूसरे से दोनों में जाता रहेगा। सेम बात यहाँ, अगर यहाँ कोई ब्रेकर फेल कर गया या ओपन करना पड़ा तो ये सप्लाई आती रहेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि वाई देर आर डबल ट्रांसमिशन लाइन, सो दैट्स वाई देर डबल ट्रांसमिशन लाइन टू इंश्योर दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सप्लाई। दे आर लाइंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक फेड बाई मीन्स ऑफ डबल ट्रांसमिशन लाइन एंड आर फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई। नाउ कम्स, यही बात यहां कह रहा है कि करंट इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रांसमिशन लाइंस, हाफ ऑफ द टोटल करंट इज कैरिड बाय ईच। अब ये है ड्यूरिंग, अगर दोनों हेल्दी लाइन है, हेल्दी मतलब दोनों चालू है, व्हेन बोथ आर हेल्दी, व्हेन बोथ इनकमर्स, व्हेन बोथ इनकमर्स आर हेल्दी, सो इन इन दैट केस आपको जो है
आर हेल्दी। इन दैट केस में क्या है कि जो टोटल करंट है वो दोनों में से हाफ हाफ आ रहा है। अगर ये दोनों हेल्दी है तो जितना करंट इसको चाहिए हाफ इधर से आ रहा है हाफ इधर से आ रहा है। अगर अगर एक कोई भी अनहेल्दी है तो सारा का सारा करंट इससे आ रहा है। तो डिजाइन किया गया है कि ये फुल करंट बियर कर सकता है। ब्रैट इज एज अ इन केस ऑफ फॉल्ट स्टैंड बाई है एक्चुअली, बट स्टैंड बाई होता है तो यूज नहीं होता, यहां यूज हो रहा है। ठीक है, सो करंट इज डिवाइडेड बिटवीन टू ट्रांसमिशन लाइन्स, हाफ ऑफ टोटल करंट इज कैरिड बाई ईच, बट इन केस ऑफ फॉल्ट एनी सेक्शन ऑफ लाइन, किसी सेक्शन लाइन में हुआ, टोटल करंट इज कैरिड बाई द हेल्दी लाइन। यही बात है सर, इन केस ऑफ फॉल्ट ऑफ एनी सेक्शन टोटल करंट कैन बी कैरिड बाई अ हेल्दी लाइन। नाउ कम्स ट्रैक्शन सब स्टेशन। बेसिकली सब स्टेशन आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज सब स्टेशन। सो यहां जो भी पढ़ रहे हैं हम ईटीटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन। सो सब स्टेशन इज एसेंशियली एन असेंबली ऑफ अपैरेटस एंड इक्विपमेंट विच आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो सिर्फ यही नहीं है, वोल्टेज भी कंट्रोल कर रहे हैं आप बेसिकली अप डाउन। बट ठीक है, यह डेफिनेशन कोई बुरा नहीं है। और नाउ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन सेम पर्पज है उसका। सो यहां इन दी सब स्टेशन सप्लाई फ्रॉम ग्रीड एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर एज पर नीड। किसी भी सब स्टेशन में सप्लाई जो है वो किसी ग्रीड या ट्रांसमिशन लाइन से आ रही है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम में भी क्लासिफाइड एज डीसी सब स्टेशन, एसी लो फ्रिक्वेंसी सब स्टेशन एंड एसी कॉमर्शियल सब स्टेशन। सो ये आपको नहीं पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सब स्टेशन है, बट ठीक है, मैं एक क्वेश्चन रख दिया है मैंने कि अगर आपको समय मिले आप इसको अलग से तैयार कर लीजिएगा। आपको जानना है लोकेशन। नाउ व्हाट इज लोकेशन ऑफ, आपको जानना है सप्लाई पॉइंट। बट व्हाट मीन डू मीन बाय सप्लाई पॉइंट। सप्लाई पॉइंट का मतलब हो गया आपका जहां पर से ट्रेन जो है सप्लाई ले रही है। सो लोकेशन फॉर पहले इलेक्ट्रिक सब स्टेशन देखेंगे तब हम सप्लाई पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सो सब स्टेशन इलेक्ट्रिक सब स्टेशन फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई इज फेड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन आर द सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन आर द सब स्टेशन फ्रॉम वेयर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई इज फेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड आर लोकेटेड अलॉन्ग द ट्रैक रूट। पहली बात तो ये। अब दूसरा बात है डिस्टेंस बिटवीन। पहले भी बता चुका हूं कि डिस्टेंस डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक पे, और डेंसिटी डिपेंड करता है कि आप सब अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया में है या मेन लाइन में, यानी आप बात कर रहे हैं। सो और द लोड ऑफ द रूट। रूट का लोड का मतलब हो जाता है कि हैवी लोडेड है, ट्रैफिक डेंसिटी है ज्यादा है। सो लार्जर द ट्रैफिक स्मॉलर डिस्टेंस होगा बिटवीन सब स्टेशन, सो द रीजनेबल वोल्टेज कैन बी मेंटेन्ड। सो ओवरऑल स्मॉलर डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। सो इन केस ऑफ ट्रॉली बसेस बोथ कंडक्टर्स आर ट्रॉली वायर, देयरफॉर मोर वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस। इसलिए यहां जो है वो बहुत नजदीक रखा जाएगा। समथिंग इज मिसिंग। यस सो यहां आ जाइए, फीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब सिस्टम। इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम पावर स्टेशन टू अ नंबर ऑफ सर्किट एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज थ्रू अ केबल नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहां पे दो टर्म है, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड व्हाट आर फीडर्स। दे आर टू टर्म्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फीडर्स। सो आपको ये कह रहा है कि सब स्टेशन से लेकर के जहां हम इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम ए पावर स्टेशन, यानी सब स्टेशन ट्रैक्शन सब स्टेशन
टू ए नंबर ऑफ सर्किट एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज थ्रू अ केबल इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर। सो सब स्टेशन से जो हम सप्लाई आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जैसे कि आपके घर में जो सप्लाई आती है आप फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर वहां भी पढ़ते हो, सिमिलरली यहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, विच इज फर्दर फेड एट सुटेबल पॉइंट नोन एज फीडिंग पॉइंट बाय अदर केबल नोन एज फीडर्स। तो ये आपका जो है ना सप्लाई पॉइंट, ये है इसका कहने का मतलब, लोकेशन ऑफ सप्लाई पॉइंट्स। यहां आपका सिलेबस है, ठीक है। सो ये आपको दिखा रहा है ट्रॉली वायर है, दो वायर जो है ट्रॉली वायर्स अगर हैं, ट्रैक्शन सिस्टम होता तो सिंगल ये कंडक्टर होता। सो फीडर्स कौन है, फीडर कनेक्ट्स द फीडिंग पॉइंट टू द स्टेशन बस बार एंड मेंटेन अ डेफिनेट वोल्टेज बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई पावर टू सर्किट एट अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज। क्रॉस सेक्शन की बात ठीक है, चॉइस ऑफ द फीडर डिपेंड्स अपॉन द मिनिमम एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम द ट्रॉली वायर्स एंड ट्रैक रेल्स और टू सेट ऑफ कंडक्टर रेल्स फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो ये जो आपके ट्रॉली वायर्स हैं, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये जहां से सप्लाई लेते हैं वो सप्लाई आती है सब स्टेशन से वाया फीडर्स, ठीक है। सो इतना आपको जो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ये इसको सिर्फ आप ये समझ लो, एक छोटा सा हिस्सा इसको ही रिपीट करना है, यू हैव टू रिपीट, जितने सेक्शन बनाने उतने सेक्शन बना लो आप, ठीक है ना। और ये आपके कनेक्टर डिसकनेक्टर्स हैं यहां पर, यहां से सप्लाई जो है इसके वाया यहां जा रही है, ठीक है, ये फीडर स्विच बना दिया है। सो इतना डिटेल नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, इतना पूछा भी नहीं जाएगा। फॉर डिफरेंट सिस्टम डेट इज फॉर ट्रॉली बस सिस्टम, डीसी रेलवे सिस्टम और 25 किलोहर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ सिस्टम और कैंडो सिस्टम डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन आर फ्रेम, ये रूल्स की जरूरत नहीं है आपको जानने की। इसके बाद ये इतना ही है आपका जो सिलेबस है, इसने ये लोकेशन ऑफ सप्लाई पॉइंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकेशन ऑफ सप्लाई पॉइंट वहां है और क्यों है, और जो क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो यही बन पा रहे हैं कि वाई ट्रांसमिशन सिस्टम इज डबल लाइन ट्रांसमिशन लाइन, तो डबल लाइन पता है क्यों है, क्वांटिटी सप्लाई मेंटेन करने के लिए है। व्हाट इज ट्रैक्शन सब स्टेशन, तो ट्रैक्शन सब स्टेशन जो है वो पावर को ट्रेन तक पहुंचाने के लिए है विद अलॉन्ग ऑल ऑक्सिलरीज, एंड हाउ आर दीज क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन अगर पूछेगा तो उसके लिए एडिशनल पढ़ लीजिए, अभी तक तो नहीं पूछा है, सिलेबस में भी नहीं दे रहा है। व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन, सो देर कैन बी डिफरेंट लोकेशंस डिपेंडिंग ऑन इट इज वेदर इट इज इन सब अर्बन एरिया, अर्बन एरिया और मेन लाइन, एंड वाई, सो वाई विल बी डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम द सेम आंसर कि भाई ये ऐसा क्यों है, जैसे यहाँ लिखा है कि सब अर्बन रेलवे के लिए स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन इज यूजली डिटरमीन फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ परमिसेबल वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एट ट्रेन एंड इकोनॉमी, सो लेंथ मे बी 3 to 5 किलोमीटर और बिटवीन 13 to 16। सो ये जो वाई है ये यहाँ ये वाई का आंसर है, इसके ऊपर भी ये ट्राम के बारे में बात किया जा रहा है जो है वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू योर न्यूट्रल सेक्शन, सो दिस इज योर न्यूट्रल सेक्शन, यस। सो डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में क्या हो सकता है कि एक ही वायर पे आप दो तरफ से सप्लाई, दो एंड पर अगर सब स्टेशन है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डीसी जो है उसमें अगर वोल्टेज लेवल सेम है तो सेम पोटेंशियल आपको मिल जाएगा किसी भी ट्रांसमिशन ट्रैक्शन लाइन पे। सो इन डीसी ट्रैक्शन सप्लाई टू द ओवर हेड इक्विपमेंट कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम बोथ एंड्स सो दैट द वोल्टेज ड्रॉप कैन बी रिड्यूस्ड, एंड इन सच ए केस सब स्टेशन ऑपरेट इन पैरेलल। सब स्टेशन ऑपरेट पैरेलल मतलब कि ये मान लीजिए कि आपका एक ट्रांसमिशन लाइन है,
मान लीजिए ये आपका एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये आपका ट्रेन है। अगर कोई सब स्टेशन यहां था तो इसने भी सप्लाई दे दी, कोई सब स्टेशन यहां था इसने भी सप्लाई दे दी, इसने भी सप्लाई दे दी, ठीक है। दे कैन बी सप्लाइड फ्रॉम बोथ एंड, सो दीज आर टू एंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड एंड, दे कैन बी सप्लाइड फ्रॉम बोथ एंड। किस लिए सप्लाई करेंगे? कि वोल्टेज ड्रॉप को हम बचाना है, कि भाई यहां से अगर सप्लाई किया होता हो सकता है कुछ दूर जाके वोल्टेज ड्रॉप कर जाता। ट्रेन अगर यहां से यहां जा रही है तो उसको इसेंशियल वोल्टेज नहीं मिलता, लेकिन अभी ये वोल्टेज ड्रॉप को क्या करेगा, एक दूसरा सब स्टेशन नजदीक में लगा दिया कि उस वोल्टेज को बूस्ट अप कर देगा। इसलिए पहले तो हम बोथ एंड पे लगा रहे हैं और ऑपरेट इन पैरेलल, क्योंकि दोनों जो है सेम वोल्टेज लेवल पे वर्क करेगा, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है। इन केस इट इज फेल्ट नेसेसरी सेफ फॉर कन्वीनियंस इन मेंटेनेंस टू हैव सम बाउंड्री ऑफ सप्लाई टू स्टेशन, इट कैन बी हैड सिंपली बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटेड ओवरलैप। देयर विल बी नो डैमेज इन केस इफ पेंटोग्राफ ब्रिज जस्ट द ओएचई, बट इन सिंगल फेज, ये तो डीसी का फायदा है, सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि इट इज नॉट परमिसेबल, क्योंकि एडजेसेंट सब स्टेशन जो होंगे वो डिफरेंट फेज में हो सकते हैं। RYB फेज चल रहा है, सिंगल फेज सप्लाई भी आ रही है, तो हो सकता है कि आपका स्टेशन वन जो है उस पे आर फेज पहले चल रहा हो, स्टेशन हो सकता है बी में ये सीक्वेंस हो। उस केस में क्या होगा कि अगर मैंने एक ही कंडक्टर को दो अलग अलग एसी सब स्टेशन से सप्लाई दिया, एसी वन से सप्लाई दिया और एसी टू से दिया, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए, और इसका मतलब होगा कि एक तो करंट फ्लो करेगा, आर्क भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए जो है आपका एसी सप्लाई में हम क्या करते हैं कि दो सब स्टेशन को जब जोड़ते हैं तो बीच में एक सेक्शन देते हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रल सेक्शन। ये न्यूट्रल सेक्शन क्या करता है, आइसोलेट करके रखता है इस दोनों को, ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मिसमैच है इस कारण से कोई भी स्पार्क नहीं हो। इसलिए ये बात यहां कहा जाती है कि इट्स मेन फंक्शन इज टू अलाउ फिजिकली स्मूथ एंड इलेक्ट्रिकली स्पार्कलेट पासिस ऑफ पेंटोग्राफ फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर। ओवरऑल जो पर्पस है आपका न्यूट्रल कंडक्टर का, इट इज फॉर इलेक्ट्रिकली स्पार्कलेस पासिस ऑफ पेंटोग्राफ। मेट्रो में जो सफर करते हैं वो कभी देखेंगे कि मेट्रो चल रही होती है और किसी खास जगह पर थोड़े देर के लिए लाइट जो है वो बंद हो जाती है, मेट्रो चल रही होती है बट लाइट बंद हो जाती है, बिकॉज दैट लाइट इज बीइंग पावर्ड नॉट फ्रॉम द मेट्रो ट्रेन, रादर इट इज कमिंग फ्रॉम योर सप्लाई फीडर। उस केस में क्या होता है कि वो न्यूट्रल सेक्शन यानी एक सब स्टेशन से जब छोड़ करके दूसरे सब स्टेशन से सप्लाई लेने की तरफ जा रही होती है, तो उतने देर के लिए हमें जो है वो उस हिस्से को जो है हमने ट्रेन से नहीं लिया है, ट्रांसमिशन लाइन से लिया है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो मेट्रो की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल जो इंजन होता है, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल इंजन होता है, उसमें क्या होता है कि पेंटोग्राफ दोनों साइड में होता है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर मुझे न्यूट्रल सेक्शन बनाना है तो उसका लेंथ इतना होना चाहिए कि जब ये दोनों ही टच कर रहे हो तो ये सप्लाई जो है वो न्यूट्रल एरिया में ही मेंटेन रहे। ये इतना लेंथ रखना पड़ेगा आपको कि ये जो है आपका न्यूट्रल सेक्शन में मेंटेन रहे, आपस में मिसमैच नहीं हो, ठीक है। इसलिए यहां कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। पहला प्रिकॉशन है न्यूट्रल सेक्शन शुड बी फार अवे फ्रॉम स्टॉपिंग सिग्नल सो दैट ट्रेन कैन पिकअप एनफ मोमेंटम टू इन। ये ऐसा कुछ समझिए कि आपने आपने बाइक चला रहे थे या आप कार चला रहे थे और सडन यू स्विच ऑफ द इग्निशन, तो आप अगर अपनी बाइक को चलाते चलाते स्विच इग्निशन स्विच ऑफ कर देते हैं, चाबी घुमा देते हैं, तो भी बाइक अपने इनर्शिया के कारण चलती है। इन बिटवीन अगर आपने चाबी वापस लगा देते हैं तो कभी कभी वो वापस स्टार्ट हो जाता है, नहीं भी हो सकता है बट कभी कभी वो वापस स्टार्ट हो जाता है कि चल रहा है। प्रोसेस ये है कि लोकेशन ऐसा होना चाहिए, इतनी दूर नहीं होना चाहिए सब स्टेशन से कि वो जो है कहीं जाकर के रुक जाए। शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम स्टॉपिंग सिग्नल सो दैट ट्रेन कैन पिकअप एनफ मोमेंटम टू इनेबल इट टू कोस्ट थ्रू द न्यूट्रल सेक्शन
विदाउट डिफिकल्टी बिकॉज देर इज नो पावर सप्लाई इन द न्यूट्रल सेक्शन। तो इतना ये डिस्टेंस कहीं से भी हो, ये डिस्टेंस न्यूट्रल सेक्शन का जो डिस्टेंस होगा वो इतना होना चाहिए कि आपका ट्रेन उसके पहले इतनी स्पीड पर हो ताकि वो न्यूट्रल सेक्शन के किसी पोर्शन पर जाके ना रुक जाए, क्योंकि अगर वहां रुक गया देन इट हैड टू बी टावर्ड, उसको किसी दूसरे इंजन से कनेक्ट करके ही वहां से निकाल सकते हैं। नाउ इट हैज नो वे टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, सो उसमें इतना मोमेंटम होना चाहिए कि वो कम से कम इनर्शिया से क्रॉस कर जाए। दूसरा है, न्यूट्रल सेक्शन शुड नॉट बी लोकेटेड ऑन अप ग्रेडियंट। अगर आपने किसी जो है वो ऊंचाई पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, अप ग्रेडियंट है, सो अप ग्रेडियंट पे अगर आप चढ़ रहे हैं तो भी क्या होगा कि इतना मोमेंटम नहीं बना सकेगा वो, हो सकता है कि इट विल स्टॉप। सो आपको जो ये ध्यान रखना है कि अगर अगर ये ट्रैक है मेरा, अज्यूम करिए कि दिस इज योर रेलवे ट्रैक, सो यहां तो न्यूट्रल सेक्शन हम बना देंगे, लेकिन इफ दिस ट्रैक इज सम गोइंग अप अप वे, सो उस केस में क्या होगा आपको कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रैक है इस दौरान कोई न्यूट्रल सेक्शन नहीं बनना चाहिए, मतलब आप इस एरिया में अवॉइड करेंगे न्यूट्रल सेक्शन, क्योंकि अगर ट्रेन यहां कहीं रुक गई तो क्या होगा, सिर्फ रुकेगी नहीं, एक तो आपको उसको ब्रेक लगा करके मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि ये पर्पस ही खत्म हो गया कि हमें तो इसे ट्रैक से बाहर लाना था। सो मोमेंटम नेचुरली क्या होता है कि ग्रेविटी जो है वो पुल करती है, तो मोमेंटम को घटाएगी, तो बहुत ज्यादा कितना हो सकता है कि ट्रैक का कर्वेचर इतना हो कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड से इन करना पड़े, तो उससे अच्छा आप ट्रैक पर न्यूट्रल सेक्शन रखो ही मत। सो इसलिए नेगोशिएशन वर्ड एक कॉमन वर्ड है यहाँ, टेक्निकल वर्ड है, निगोशिएट का मतलब है कि जब वो क्रॉस कर रहा है वहां से। तो बेस्ट पोजिशन फॉर इस लोकेशन वुड बी अ मिड सेक्शन बिटवीन टू फीडिंग पोस्ट। तो आपने अगर एक फीडिंग पोस्ट बनाई है, दूसरी फीडिंग पोस्ट बनाई है, एक जो है आपने वो इंजन बनाया है, और अगर आपने ये ट्रैक बनाया है, सो उस केस में आपको जो है न्यूट्रल सेक्शन इसके बीच में रखना चाहिए कहीं। बीच का मतलब ये हो जाएगा कि ये ट्रेन जो है यहां से जब आगे बढ़ेगी तो इतना मोमेंटम गेन कर चुकी होगी इतने दूर में ताकि ये इसको क्रॉस कर जाए, और फिर यहां इन करेगी तो फिर बात ये लगे, या उधर से आती हुई ट्रेन भी जो है इस सेक्शन पर जब पहुंचेगी तो इससे न्यूट्रल सेक्शन में इन करने से पहले इतना मोमेंटम हो कि वो यहां आ जाए। तो ये ध्यान रखना है न्यूट्रल सेक्शन के लिए, ठीक है। एक और पेज है इसमें, लास्ट पेज, सो इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर आप मत सोचिएगा, ये जेबी गुप्ता की किताब से फिगर है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर आप मत सोचिएगा, इसकी इसको बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा ज्यादा से ज्यादा। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आप जो छोटे से डायग्राम बना सकते हैं उसको समझाने के लिए, दैट इज एनफ। सो यहाँ थर्ड पॉइंट है, इट इज इसेंशियल दैट लेंथ ऑफ द न्यूट्रल सेक्शन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल बट नॉट ऑफ लेंथ लेस देन स्पेसिंग बिटवीन, यही लेंथ की बात कर रहा हूं, लेंथ पे बात समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ न्यूट्रल सेक्शन कितना होना चाहिए, शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, क्योंकि अगर जितना लंबा हम रख देंगे तो इसका मतलब है ज्यादा मोमेंटम चाहिए ट्रेन को उस पूरे लेंथ को क्रॉस करने के लिए। लेंथ का मतलब कि आपने इग्निशन ऑफ कर दिया अपने बाइक का, तो आपको जो है अगर किसी ऐसे एरिया में जाना है तो वह छोटा शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रेवल कर सकते हैं उस तरह से। सो इसको एज स्मॉल रखना है, बट एक क्लॉज है, नॉट ऑफ लेंथ लेस देन द स्पेसिंग बिटवीन एक्सट्रीम पेंटोग्राफ्स। तो किसी भी ट्रेन के जो एक्सट्रीम एंड पे पेंटोग्राफ होंगे उससे छोटा नहीं होना चाहिए न्यूट्रल सेक्शन आपका, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज द ट्रेन इज टू निगोशिएट द न्यूट्रल सेक्शन विथ पावर ऑफ। देखिए निगोशिएट वर्ड का मतलब यहां जान लीजिए, बार बार कह रहा हूं, निगोशिएट का मतलब है यहां टू क्रॉस या गो थ्रू, क्रॉस करना या फिर गो थ्रू। सो टू गो थ्रू या टू पास, ये टर्म समझ लीजिए, जब भी आप नेगोशिएट वर्ड बोलेंगे तो ये कोशिश करिएगा इस ये वर्ड बोलने का कि दैट दिस इज बिकॉज ट्रेन इज टू पास द न्यूट्रल सेक्शन विद पावर ऑफ, एंड इफ इट गेट्स स्टॉल्ड इन दिस सेक्शन देर विल बी अ डिसलोकेशन इन द ट्रैफिक एंड अरेंजमेंट्स विल हैव टू बी मेड टू फीड द न्यूट्रल सेक्शन। पहले तो न्यूट्रल सेक्शन को या तो कई सारे बातें, देखिए ये कह रहा है कि या तो हम को फीड करना पड़ेगा न्यूट्रल सेक्शन को, मतलब वहां कंडक्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बात है। दूसरी बात यह है
कि हमको इसको, मैं बता रहा हूँ, टाओ अवे करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा दूसरे इंजन को ला करके, उसके साथ कनेक्ट करके फिर आप उसको लेके जाएंगे। तीसरी बात ये हो जाएगी आपकी कि जो ट्रैक है वो बहुत देर के लिए जैम हो जाएगा। सो ये यहाँ जो कह रहा है डिसलोकेशन इन द ट्रैफिक, तो जैम भी कर देगा, क्योंकि जितने देर तक ये अटका रहेगा ना तो कोई ट्रेन आ सकती है ना जा सकती है। सो इन केस इट्स लेंथ इज शॉर्टर देन स्पेसिंग बिटवीन एक्सट्रीम, दे विल शॉर्ट सर्किट द ओवरहेड कंडक्टर, इसे शॉर्ट नहीं रखना है। ठीक है, सो यहां इसीलिए इन जो नॉर्म्स है इंडियन रेलवे में कि व्हेन पेंटोग्राफ एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ मल्टीपल हेड ट्रेन्स आर रेज्ड, दे आर अबाउट 40 मीटर अपार्ट। सो ये जो हमारे जो ट्रेन होते हैं इसके जो ओवरहेड के डिस्टेंस है आपस में बीच में, ये आपके 40 मीटर्स हैं। इसलिए कह रहा है कि न्यूट्रल सेक्शन जो होगा शुड नॉट बी ब्राइस सिमेंसली, एकदम बराबर का नहीं डिस्टेंस रखिए, बल्कि उसका मिनिमम लेंथ जो 1 मीटर ज्यादा रख करके 41 मीटर्स कहा जा रहा है। सो यहां पे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है, यहां नहीं तो कहीं जेई के एग्जाम या कहीं पे, कि वाई द न्यू लेंथ ऑफ द मिनिमम लेंथ ऑफ द न्यूट्रल सेक्शन अडॉप्टेड बाई इंडियन रेलवे इज 10 मीटर। यहां पे क्वेश्चन लगा दीजिए, वाई द मिनिमम लेंथ ऑफ द न्यूट्रल सेक्शन अडॉप्टेड बाई इंडियन रेलवे 41। तो वाई का आंसर यहां है कि व्हेन पेंटोग्राफ एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ मल्टीपल हेड आर रेज देयर अबाउट 40 मीटर, सिंस बोथ द एयर गैप एक्सट्रीम इतना शुड नॉट बी ब्राइस साइमेंटली। और क्यों, तो ये इसका आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर लिखिएगा कि दिस इज बिकॉज इट इज इसेंशियल कि लेंथ ऑफ नेचुरल सेक्शन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल बट नॉट ऑफ लेंथ लेस देन स्पेसिंग, बिकॉज इट विल आइदर कॉज अ, अगर लेंथ रहेगा तो शॉर्टर लेंथ स्पेसिंग विल कॉज अ शॉर्ट सर्किट ऑफ ओवरहेड सप्लाई फ्रॉम डिफरेंट फेजेस। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूं यहां पर। पहले आप इसको देख लीजिए, देखिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसने भी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पीटीएफ टाइप शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन के बारे में। नॉर्मली माना जाता है कि एड ज्वाइनिंग सेक्शन सब स्टेशन से ओएचई को फीड अलग अलग फेज से किया जाता है। दोनों अलग अलग फेज सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए एड ज्वाइनिंग पीएसएस के लगभग बीच। ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक यहाँ पर, ये कॉन्ड्यूट, दिस इज योर न्यूट्रल सेक्शन की दूरी पर न्यूट्रल सेक्शन बनाया जाता है। जो पीटीएफ लगाया जाता है वो 400 मीटर स्टॉप सिग्नल के बाद में एवं 200 मीटर स्टॉप सिग्नल के पहले मिनिमम इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। इसका से जीरो होना चाहिए, कोई हॉगिंग नहीं होनी चाहिए। इसका टोटल वेट 60 kg होता है। और सिरामिक के बीच इनसाइड होती है और एक दूसरे को पेश करती होती है। आप देख रहे हैं असेंबली है, दिस कंड्यूट सेक्शन इज योर न्यूट्रल सेक्शन। इसके बीच के पार्ट का टर्फर की असेंबली जो है, इसके जो फोर्थ कॉलर है वहां से कॉन्टेक्ट वायर को कट दिया जाएगा। ये कॉन्टेक्ट वायर इन दोनों को एक लेवल पर रखा जाता है। रनर का लेवल स्टेगर पर सेट किया जाता है। ये देखिए इंटरसेक्शन में किया। और ये एक एनिमेटेड वीडियो भी है, ये आप देखिए। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ स्टैग वायर एंड द मैक्सिमम स्टैगर, वी हैव टू एंश्योर दैट देयर इज नो स्टैगर ऑन द कॉन्टैक्ट वायर एंड द मैक्सिमम स्टैगर व्हिच इज परमिसिबल इज प्लस माइनस। मैं आपको वहां लेके जाता हूँ जहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये वीडियो यहाँ से शुरू है। हाउ दे आर इंस्टॉलिंग दिस,
Yes. Now we'll see the installation of messenger wire insulator. First, with the help of a tulfer or a pull lift, take the load of the catenary wire. Now, after marking on the wire with the help of a binding wire, cut this wire very smoothly with the help of a hexa blade. Now file this wire so that there is no stranded wires on this wire. Now insert that four collar socket and ensure that the distance between that end wire and the center of that pin is not more than 60 mm. As you can see in this picture, it should be not more than 60 mm. Now we will see the installation of phase break body on the contact wire. Now place this first we'll see that there is no kink on the contact wire where this neutral section has to be installed. Now place this whole neutral section body on the contact wire and fix the supply so that it comes on the full grip of the contact wire, as you can see in this picture. Now after doing this, we tighten all the screws. Now here this shows that we have to see to ensure that this wire clamp should come to the full length. Now tighten all the screws with the help of a torque wrench, and it has to be tightened with 50 newton meter. All the screws, since it is a new installation and for the first time it is being installed, so all that screws and nuts has to be installed, retightened three times, so that this being a new copper, that grip of that splice should come in a good contact with the contact wire. Now similarly use the counter nut again with the 50 newton meter force with the help of a torque wrench. And now the extra wire which is coming inside has to be bent to additional then parallel leveling our neutral section body. It says counter should also then counter nuts has been across it so that we can things which we have done and do on the other side also. After this, we'll check the how this section, this neutral section, has been installed by gliding our separate level across it, so that we can fine tune if something is not perfect. Now we will fix. Now we can see here there are two okay green alignment with the help of with the help of a pento. And now we can see here there are two okay, green one is okay, which shows that it should be very